I hate negativity. And you are very negative. पुलिस वाला रहा हूं, नजरें दूसरों से थोड़ी और तेज है. This is our main command center. अगली बार इतना obvious clues साइट पे मत छोड़ा करो. पचास कोस जब कोई हराम करता अपनी हरामी के लिए दिखाता है तो उसके अंडर पंडर बोलते सुधर जा नहीं तो रवि कुमार आ जाएगा. लगभग एक साल पहले बॉलीवुड मूवी की अनाउंसमेंट की गई थी. उस समय इस मूवी का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था जिसे देखने के बाद लग रहा था कि ये मूवी सभी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ देगी. हम बात कर रहे हैं बैड एस रवि कुमार की. पहले कहा जा रहा था कि ये मूवी 2023 में रिलीज की जाएगी लेकिन मूवी के टीजर के बाद हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला. लेकिन अब एक साथ हमें मूवी को लेकर दो दो बड़ी अपडेट सामने मिल रही है. पहली अपडेट विलन का नाम रिवील कर दिया गया है और दूसरी अपडेट मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई है. तो वही मूवी में हमें लीड रोल में हिमेश हेशमिया देखने को मिलेंगे. उनके साथ विलन के रोल में प्रभु देवा देखने को मिलने वाले हैं. यहाँ पर एक सिंगर है जो एक्टर का रोल निभाएगा और दूसरा डांसर है जो विलन का रोल निभाएगा. अब देखना ये होगा कि ये दोनों ही स्टार फिल्म में एक्टिंग कैसे करते हैं. फिल्म के टीजर को देखने के बाद तो लग रहा है कि फिल्म में हमें चारों तरफ हिमेश हेशमिया देखने को मिलने वाले हैं. फिल्म में VFX भी काफी दमदार रखा गया है लेकिन उस VFX को देखकर हंसी ज्यादा आती है और फिल्म एक्शन से ज्यादा कॉमेडी फिल्म लगती है. और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मूवी में क्या क्या नया देखने को मिलता है. पहले ये कहा जा रहा था कि मूवी में हमें 10-10 विलन देखने को मिलेंगे जिनसे हिमेश हेशमिया लड़ते हुए दिखाई देंगे. लेकिन अब सिर्फ प्रभु देवा का नाम सामने आ रहा है. हो सकता है कि प्रभु देवा उन सभी के सरदार हो लेकिन अब इसको लेकर कुछ भी खबर सामने तो नहीं आई है. देखने आने वाले समय में फिल्म को लेकर कुछ नया सुनने को मिल जाए. वही बात करें मूवी के डायरेक्टर की तो फिल्म को खुद हिमेश हेशमिया डायरेक्ट करने वाले हैं. फिल्म के सारे काम वो खुद करने वाले हैं. अब देखना ये होगा कि फिल्म में वो एक्टिंग कैसी करते हैं. वही बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो मेकर्स के अकॉर्डिंग मूवी की रिलीज डेट 11 अक्टूबर दशहरे के मौके पर रिलीज की जाएगी और कुछ ही दिनों में मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. इसके अभी भी कुछ एक्शन सीन बाकी बचे हुए हैं और आने वाले समय में मूवी का एक छोटा सा टीजर और देखने को मिल जाएगा जिसको देखने के बाद पक्का पता चल जाएगा कि एक साल बाद हिमेश हेशमिया ने मूवी में क्या बदलाव किए हैं. तो दोस्तों आप सब हिमेश हेशमिया की मोस्ट अवेटेड मूवी बेदास रवि कुमार मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं.